थोड़ा थोड़ा करेंगे, ऊपर ऊपर से करेंगे, पूरा नहीं करेंगे। ये कैरेक्टर बहुत ही वाहियात है, बहुत ही कमीना है, इसको कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं। इसके काम कर अर्शद को ले लेते हैं। Hey guys, welcome to Bollywood Bubble. My name is Rohan and मेरे साथ में एक ऐसा आदमी जो कौन मैन है और कौन क्यों बने ये सब जानेंगे थोड़ी देर में। नाम इनका अर्शद वारसी और इनको कौन नहीं जानता है, इनको कौन नहीं जानता और इनको भी कौन नहीं जानता। नाम इनका प्रकाश झा, प्रोड्यूसर। इनको ये कौन जानता है। मैं इनसे पूरी तरह से कौन हो चुका हूँ। क्या बात है सर, कितने का कौन लगाया इन्होंने फ्रॉड सैयां के थ्रू आपको। मेरे पास कौन कौन नहीं आया। और इस कौन के साथ साथ में दिशा और कनिष्क ने भी मुझे कौन किया है। सर टाइटल चेंज करके फ्रॉड सैयां से कौन सैयां कौन करता है ऐसी हरकतें। आप करते हैं ऐसी हरकत। तो ये बताइए, इसमें आप फ्रॉड सैयां बने, क्या हो गया सर? कौन सी लड़की ने दिल तोड़ दिया तो आप इतनी लड़कियों का दिल तोड़ने चाल पर है एक साथ? कितनी? 13 गेटिंग मैरिड टू 13 वुमेन। 13 ये बहुत ही क्या कहते हैं लर्न अर्ली इन लाइफ। तो ये कैरेक्टर बड़ा कमाल है, इसको बचपन में समझ जाता है कि लड़की और औरत लड़की के अगर मांग में सिंदूर भर दो और अगर उसने आपको पति मान लिया जी, जो हकीकत है हमारे देश में ऐसा है, यही है परंपरा कि पत्नी जो है अपने पति के लिए कुछ भी करती है बराबर। तो इसको वो समझ में आ जाता है कि यार ये बहुत सही धंधा है। हाँ। सिंदूर डाल दो, बीवी बना लो, वो रेडी आपके लिए, कुछ भी करने को तैयार है। तो इसने वैसे ही बस अलग अलग शहरों में एक एक ब्रांच खोल देता है, 13 ब्रांच खोल देता है, वहां से इनकम आती रहती है। ओके, ऐसे ही है बस। ओके, तो लोग इन्वेस्टमेंट खाली वक्त है, यहाँ पे थोड़ा प्यार, वहाँ पे 2 लाइन, यहाँ पे एक हग, ये ऐसा करके ये इन्वेस्टमेंट है और पैसा आता है। सर शादियों का सीजन चल रहा है ना, मेरे को लगता है आपको लेके जाना चाहिए। जितने दूल्हे डरते हैं शादी आदि करने से, यू कैन गिव देम कॉन्फिडेंस, ज्यादा नहीं करना, बस ये करना है, ये करना है। मैं हम लोग एक्चुअली वो एकेडमी खोल रहे हैं। हाँ, खोल रहे हैं। ये एक नया धंधा है। तो ऐसे रियल लाइफ में किसी बंदे से मिले हो आप जिसने 12, 13, 14 शादियां की? नहीं, मैं मिला नहीं हूँ, बट हम लोग जानते हैं उसके बारे में, सभी जानते हैं। बहता एक महापुरुष, तो नहीं मिला नहीं। ओके, और मिलने की ख्वाहिश भी नहीं है। ख्वाहिश नहीं, बिल्कुल नहीं। सिर्फ फिल्म के लिए आप ऐसे लोगों को ये बता रहे हैं। मैं लोगों को ये भी कहता हूँ, ये है वो बात कि जो आप एडवर्टाइजमेंट्स देखते हैं बड़े एक्शन वाले और बड़े स्पेशल इफेक्ट वाले, और नीचे लाइन रहती है कि भैया प्लीज डू नॉट ट्राई इट एट होम। तो यही है मामला, यही है कि ये कौन 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 देख लो, लेकिन कौन घर पे मत करना प्लीज। ये जो ना, ये फिल्म एंटरटेनमेंट के लिए, आओ फिल्म देखिए, एंटरटेन होइए, आइडिया ढूंढने के लिए मत आइएगा। लोग नॉर्मली बोलते हैं कि हम ये फिल्म से इंस्पायर होंगे, मैं कह रहा हूँ प्लीज डू नॉट गेट इंस्पायर्ड बाय दिस फिल्म। और बहुत सारे ऐसे मिजाज के पति हैं, वो पत्नियों के साथ सिनेमा देखने जा रहे हैं, लेकिन साथ में अपने हेलमेट भी लेकर जाना रहे हैं और अपना एक्सप्रेशन संभाल के रखना। कई आइडिया सर ऐसे शक्ल पे लगे, अरे ये आइडिया तो अच्छा मार पड़ेगी। प्रकाश जी आप बताओ, आउट एंड आउट कॉमेडी आपने जब स्क्रिप्ट पढ़ी थी तो सबसे पहले व्हाट वाज इट दैट एक्चुअली ड्रू यू टू द स्क्रिप्ट? मैं सन्नाटे में आ गया। सन्नाटे स्क्रिप्ट को पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगा कि ऐसा कोई सोच कैसे सकता है। अच्छा, ऐसा कोई लिख कैसे सकता है, इस तरह के कैरेक्टर बना कैसे सकता है, यही सोच के मैं हैरान था, क्योंकि मैं हंसते हंसते पागल हो रहा था। लेकिन चौंका हुआ था कि ये हार्टलैंड की कॉमेडी, हार्टलैंड के कैरेक्टर, ये नेटिव इंटेलिजेंस इस्तेमाल करते हुए जुगाड़ से अपने प्यार को संभाल रहे हैं। ये मेरे समझ से बाहर की बात थी। क्या बात है। तो सर ये आपने जब स्क्रिप्ट आपके पास आई तो यू ऑलरेडी न्यू कि ऐसा एक बंदा है जिसके साथ एक शादियां हो। पैकेज में आए थे ये? मैं पैकेज में आए थे जब ये, मेरे ख्याल से दिशा और कनिष्क सोच रहे थे, तो इन लोगों ने सोचा होगा ये क्या, अच्छा ये कैरेक्टर बहुत ही वाहियात है, बहुत ही कमीना है, इसको कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं। इसके काम कर अर्शद को ले लेते हैं। तो मुझे लगता है ऐसा मेरी कास्टिंग हुई है। तो स्क्रिप्ट पढ़ने के पहले आपको बता दिया। हाँ, स्क्रिप्ट के साथ स्क्रिप्ट पढ़ लो, अर्शद वारसी इसको करेंगे, यही कर सकते हैं, और सौरभ शुक्ला करेंगे इसको। तो हमने कहा पैकेज के साथ जलालत हरकतें। ओके, ये बताओ कि अर्शद आपने तो इतनी कॉमेडी की है कि मुझे लगता है कई दफा आप खुद भूल जाते हो कि हमने कितनी कॉमेडी फिल्म्स की है। सो आफ्टर सो मच डूइंग ऑफ सो मेनी कॉमिक फिल्म्स, अब कॉमेडी करना मुश्किल होता है या इट्स वेरी इजी, आप सेट फॉर्मूला हो गया आपके लिए? यार मेरे लिए ना, मेरे लिए फिल्म हर फिल्म अलग है। वो यू हैव टू डू अ रोल, तो मैं कभी वो देखता नहीं कॉमेडी का। मेरे लिए एक फिल्म है और एक कैरेक्टर है। और आई मीन वन ऑफ द रीजन जहाँ लोगों को अभी तक झेल रहे हैं मुझे इज बिकॉज हर कैरेक्टर अलग है एक दूसरे से, यू नो, हर सारे कैरेक्टर जो है देयर इज अ डिफरेंस इन द स्टाइल ऑफ एक्टिंग एंड कैरेक्टराइजेशन, प्योरली बिकॉज आई लिसन टू माई डायरेक्टर, लिसन टू माई राइटर कि भैया तुमने जो लिखा है, जिस कैरेक्टर को आपने लिखा है मुझे वो बताइए, मैं जो करता हूँ वो तो मैं करता ही हूँ, बट मैं चाहूँगा कि जो आपने लिखा मैं वो करूँ, क्योंकि अगर मैं वही करता रहा जो मैं कर रहा हूँ तो मेरे सारे कैरेक्टर एक जैसे लगेंगे, तो इसके लिए आई टेक इट फ्रॉम देम एंड दैट इज वाई सारे कैरेक्टर्स अलग हो जाते हैं। जब कैरेक्टर्स अलग हो जाते हैं और आप कैरेक्टर्स प्ले कर रहे हो तो फिर फर्क नहीं पड़ता, आप 1 करो 10 करो 15 करो सब अलग ही है, वो कभी सेम हो ही नहीं सकता, कभी बोरिंग हो ही नहीं सकता। अर्शद वारसी कॉमन है, मैं बस कॉमन हूँ, बाकी सब सेम है। मतलब यू हैव एक तरफ बब्बन में और भोला में कोई करेक्शन नहीं है और इसमें और उसमें कोई करेक्शन नहीं है, तो अलग ही है सब। ओके सर, आप बताइए, इन्होंने और सौरभ शुक्ला ने ट्रेलर में तो लग रहा है बड़ा कमाल का काम किया, बट बिहाइंड द सीन्स एज अ प्रोड्यूसर व्हाट वाज योर थिंकिंग लाइक? अरे यार, मैं इतना मिस करता हूँ क्योंकि पूरी की पूरी शूटिंग के दरमियान सिर्फ 1 दिन के लिए मैं गया था। मैं गया ही नहीं शूटिंग पे, और वो 1 दिन भी बहुत यादगार था, बहुत मजा आया था, अच्छा मौसम था, खूब अच्छा मौसम था। सर आगे भी कुछ बताइए, वो उस 1 दिन में आपने क्या कुछ हुआ, कुछ बड़ा बड़ा पूछेंगे, क्योंकि शूटिंग के टाइम पे मतलब क्योंकि क्या है, इन्होंने सोचा कि हम तो 13 बीवियां फिल्म में मिलने वाली है, लेकिन पता नहीं था कि इनके साथ हम क्या करने वाले हैं। मेरे साथ बहुत ज्यादती हुई है, बता रहा हूँ मैं, जलालत भरी हरकतें बता रहा हूँ, मेरे साथ क्या ज्यादती हुई। मुझे बोला गया आपके साथ 13 बीवियां है, लेकिन फिल्म के अंदर सिर्फ सौरभ शुक्ला थे मेरे साथ, जो 13 बीवियों के बराबर थे। ये झूठ बोला गया मुझसे, मेरे जज्बात से खेला गया। क्या सौरभ शुक्ला को सारा काम मैंने सौरभ के साथ किया। ओके, और 13 बीवियों में से आपकी सबसे प्यारी बीवी कौन सी थी? देखो ऐसा मत बोलो, मैं एक का नाम लूंगा 12 लोग पीटेंगे मुझे, ऐसा तो मत करो मेरे साथ। ये बात सही नहीं, ये गलत है। तो हम पूछे तुमसे कि तुम्हारी सारी गर्लफ्रेंड्स में से कौन तुमको सबसे ज्यादा पसंद है? जिससे भी आगे शादी होगी उसका नाम ले लूंगा, मेरे तो केस में। तो मैं कैसे लूं, मेरे पास तो 13 है, एक कैसे लूं नाम? ओके, लेकिन इसके अंदर अगर मैं कैरेक्टर वाइज पूछूं, हु इज लाइक द मोस्ट डेंजरस वन इन द फिल्म? देयर इज वन चंदा यादव इज द मोस्ट डेंजरस, अपना पानी। करेक्ट, वो सबसे डेंजरस है क्योंकि उनका पूरा जो बैकग्राउंड है, खानदान है, वो सब गैंगस्टर्स का खानदान है। गलती से फंस गया, गलती से वहां फंस जाता है। मतलब वो पटा वटा लेके सब कुछ करता है, फिर बाद में देखता है इसके पीछे तो ये लोग खड़े हैं, तो वहां उसकी बैंड बज जाती है थोड़ी। ओके, और इस फिल्म का सबसे प्यारा डायलॉग आप दोनों को कौन सा लगता है? बिकॉज़ आई एम श्योर आप लोगों ने फिल्म तो देखी है, तो एक हाईलाइट तुम्हारा प्यारा डायलॉग बता दूं? बताओ सर। थोड़ा थोड़ा करेंगे, ऊपर ऊपर से करेंगे, पूरा नहीं करेंगे। पता जी आपको कोई पसंद है? तुम्हें पता है वो डायलॉग, वो सीन एंड किस डायलॉग से होता है? नहीं सर बताइए। अच्छा दिखाई दो। अनफॉर्चुनेटली मैं ऐसी चीजें नहीं बोल सकती, लोग गलत समझ लेते। सर ये लोग इतना हंस खेल रहे थे, इन लोगों का रैप वो इतना अच्छा, कभी आपको सेट से फोन आया कि ये लोग शूटिंग नहीं कर रहे हैं तो अपने में गायब हो गए, ऐसा कभी हुआ है? मुझे हाँ, क्योंकि आप तो प्रोड्यूसर थे, एक ही दिन गए थे आप सेट पे। अगर शूटिंग की यूनिट में एक फ्रॉड हो तो मुझे पता चले ना। सारे के सारे फ्रॉड थे, टाइम भी ले गए, पैसे भी ले गए, पिक्चर भी बना गए, क्या हमारे और क्या। तो सर बिफोर वी एंड प्लीज एक बार ऑडियंस को बता दीजिए कि फिल्म कब आ रही है? 18 जनवरी को आ रही है फ्रॉड सैयां, प्लीज देखिए यार, बहुत मजेदार फिल्म है। 18 जनवरी, कमाल की चीजें की है हम लोगों ने, तो यू हैव टू बी अ पार्ट ऑफ इट। इसमें अर्शद वारसी हैं जिन्होंने 90s का और एक गाने पे डांस किया आपने, शम्मा पे थोड़ा दूसरे गाने पे किया, थोड़ा किया पूरा ऊपर से थोड़ा किया, आंख मारे में आपने किया, हाँ। इसमें आपने छम्मा छम्मा में किया। अगले महीने टोटल धमाल आ रही है, उसमें भी कोई गाना वाला है? हाँ है, उसमें भी हल्का फुल्का डांस किया। अच्छा सर जल्दी एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, दिस इज प्योरली फ्रॉम अ फैन पर्सपेक्टिव, सर मुन्ना भाई का क्या हुआ सर, कब आ रहे हैं सर सर्किट वापस? मामू कोई आइडिया नहीं है यार, राजू से पूछो, कोई आइडिया नहीं है, मतलब काम चालू है, जो देखेंगे जब होगा तब होगा। फ्रॉड है हाँ, ये कौन मैन बन के बोल रहे हो? नहीं, टोटल फ्रॉड है मुन्ना भाई, total fraud, Munnabhai. Okay, on that note, thank you so much for talking to us. Thank you. It's been a pleasure. God bless you.